हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैसूर पाक। मैसूर पाक दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सॉफ्ट वाला और एक होता है जालीदार मैसूर पाक। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ जो सिंपल प्लेन वाला होता है सॉफ्ट मैसूर पाक, और जाली वाला नेक्स्ट टाइम का भी बनाएंगे क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के लिए मैं ये बनाने जा रही हूँ। चलिए करते हैं इसकी तैयारी। फ्रेंड, ये मैसूर पाक बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है। जिस कप से आप बेसन नापेंगे उसी कप से, उसी मेजरमेंट से आप सारे चीज़ें नापेंगे, चीनी और घी उसी रेशियोज में और उसी वाले कप से आपको नापना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपका परफेक्ट रेशियो बनेगा। तो ये देखिए, मैंने 1 कप लिया है, लेकिन मैं जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्टिंग में बनाना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि वो 1 कप रेशियो से स्टार्ट करें। ये क्योंकि मैं बना चुकी हूँ पहले, तो मैंने 2 कप लिया है यहाँ पर बेसन, जिसको कि मैंने छान लिया है अच्छे से छन्नी में, जिससे इसमें से जो भी लम्स हो या कोई जो भी इम्प्योरिटी हो वो निकल जाए। अब मैं इसको डालूँगी पैन में। हम इसको यहाँ पर धीमी आंच पे भून लेंगे, करीब 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो इसको लो फ्लेम पे, इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हमें इसका जब खुशबू आने लगे ना, भूनने वाला फ्लेवर एरोमा आने लगे, तो बस तब हम इसको बंद करके और घी में मिक्स करेंगे। तो जिस रेशियो से आप लेंगे तो उसी रेशियो से इसमें लगेगा चीनी और उसी रेशियो से जाएगा, मतलब अगर हमने 1 कप बेसन लिया है तो 1 कप ही चीनी जाएगी और 1 कप ही देसी घी लगेगा। ये देखिए, बेसन भून चुका है। 2 कटोरी बेसन भूनने में मेरे को 12 से 15 मिनट लग गए क्योंकि मैंने इसको बहुत ही लो फ्लेम पे सेका था। और अभी ये देखिए, मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको हम छान लेंगे। छानेंगे इसलिए कि कई बार क्या होता है कि इसमें थोड़े से लम्स हो जाते हैं चला चला के, और जो थोड़ा बहुत किनारों से या बीच में थोड़ा बहुत लग के ज़्यादा ब्राउन हो गया होता है वो फिर छन्नी में आ जाता है। वो छन जाएगा तो हमारा मैसूर पाक बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सिल्की सॉफ्ट बनेगा। तो अब मैं इसको छानने जा रही हूँ। ये देखिए, छानने का स्टेप इसलिए ज़रूरी है, आप देख रहे हैं ये इस तरह का रह जाता है। तो अभी मैं इसको चम्मच से अच्छे से प्रेस कर करके इसको फोड़ के इसको भी मैं छान लूँगी। अब ये देखिए, जिस कप से मैंने बेसन नापा था उसी कप से मैं नाप रही हूँ चीनी। ये मैंने 2 कप बेसन लिया था तो मैं ये 2 कप ही चीनी ऐड कर रही हूँ, और 1 कप पानी ऐड करूंगी। इसको हमें, गैस मैंने ऑन कर दिया, इसको हमें मेल्ट करना है। ये देखिए, यहाँ हम लेंगे देसी घी, ये मैंने कल ही निकाला है, घर का बना हुआ घी है। तो अभी, और ये साथ ही मैंने क्या किया है कि ग्रीस कर दी है ट्रे, और इसको मैंने रेडी कर दिया है। ये मैं यहाँ पर छान के 1 कप घी ले रही हूँ, और 1 कप जो है वो हम बचा लेंगे, 1 कप वो हमें बाद में ऐड करना है जब हम बेसन डाल के पकाएंगे बेसन को। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, स्मूथ कर लेना है। ये देखिए, चाशनी भी ऑलमोस्ट तैयार है। ये 1 तार की होने से पहले ही हमें गैस बंद कर देनी है, इसको हमें 1 तार का नहीं होने देना है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके बेसन जो हमने ये घी में घोला था इसको हम ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से अब ये मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें 2-2 टेबल स्पून करके घी, जो 1 कप हमारा बचा हुआ था, उसको हम ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम घी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। वो सारा घी मिक्स हो गया है, 2 टेबल स्पून के राउंड और डालेंगे, फिर से इसको मिक्स करेंगे। देखिए, ये तैयार हो गया है। इसको चेक करने का तरीका एक तो ये है कि जब ये किनारे छोड़ने लगे साइड से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तैयार होने लगा है, बट अभी ये तैयार नहीं है। अभी ये प्रॉपर तरीके से इस तरह से किनारे छोड़ने लगता है। और दूसरा तरीका ये कि आप इसको थोड़ा सा प्लेट में डालिए और चेक कीजिए। मैंने थोड़ा सा प्लेट में डाल लिया है, अभी मैं थोड़ा ठंडा होने पे इसको इस तरह से चेक करूंगी। अगर ये राउंड बॉल जैसे बनती है तो ये रेडी है।
ये देखिए बन रही है बॉल जैसी, बट बहुत इजीली नहीं बन रही है, तो मैं इसको 3 से 4 मिनट और पकाऊंगी। मैंने ये सारा प्रोसीजर बिल्कुल लो फ्लेम पे किया है। ये एक फाइनल टेस्ट कर लेते हैं हम। ये देखिए अब ये प्रॉपर इसकी बॉल जैसे बन के तैयार हो गई है, तो अभी ये बिल्कुल रेडी है जमाने के लिए। मैंने इसको डिश ट्रे में डाल दिया है और अब मैं इसको करीब 1.5 घंटा इसको जमने के लिए छोड़ूंगी, फिर हम इसके पीसेस कट करेंगे। ये देखिए मैं ये कट लगा चुकी हूँ और अब मैं इसको निकाल के प्लेट में सर्व करूँगी। फर्स्ट पीस निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसके बाद सब आराम से निकल आते हैं। फ्रेंड्स तैयार है हमारे मैसूर पाक मिठाई, और इसको मैंने राखी के लिए बनाया, आप इसको किसी भी ओकेजन के लिए बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं थाली की तैयारी। ये मैंने इसमें सजा दिए हैं। लीजिए राखी की थाली हमारी तैयार है, तो हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को।